नासा के वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में पृथ्वी से 98 प्रकाश वर्ष दूर स्थित LP8909C नाम के एक एक्सोप्लैनेट की खोज की है। ये एक्सोप्लैनेट छोटे लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है। एक्सोप्लैनेट LP8909C या स्पेकुलस 2C की खोज सितंबर 2022 में की गई थी। space.com के अनुसार प्लैनेट का व्यास पृथ्वी से लगभग 40% अधिक है। एक्सोप्लैनेट LP8909C हैबिटेबल जोन यानी कि रहने योग्य क्षेत्र के काफी करीब है। हालांकि एक्सोप्लैनेट अपने तारे से निकटता के बावजूद काफी शांत है। इसकी तुलना में पृथ्वी सूर्य से 152 मिलियन किलोमीटर दूर है। शोधकर्ताओं के अनुसार इसका मतलब है कि किसी तारे के करीब भी किसी प्लैनेट का तापमान हल्का हो सकता है। कार्नेल विश्वविद्यालय के कार्ल सैगन इंस्टीट्यूट से लीसा कल्टेनेगर के नेतृत्व में एक शोध दल ने LP8909C के संभावित जलवायु और वायुमंडल का मॉडल तैयार किया है और पता लगाया है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप उनके बीच कैसे अंतर कर सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार LP8909C हमारे सोलर सिस्टम में वीनस की तरह ही रहने योग्य क्षेत्र के अंदरूनी भाग में स्थित है, यानी ऐसे भाग में स्थित है जहां मानव जीवन संभव है। ऐसा माना जाता है कि वीनस एक अनियंत्रित ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण एक दुर्गम दुनिया बन गया होगा। स्टडी में ये भी पता चला कि वीनस पर चुंबकीय क्षेत्र की कमी की वजह से पानी के अणु सोलर हवाओं के सामने टिक नहीं पाते और बिखर जाते हैं, जबकि LP8909C पर चुंबकीय क्षेत्र होने की वजह से यहाँ जलवाष्प को बांध कर रखना संभव है, जो मानव जीवन की संभावना पैदा कर सकती है। वैज्ञानिकों की टीम ने इस एक्सोप्लैनेट के मॉडल विकसित कर रासायनिक संरचना, सतह के तापमान, वायुमंडलीय दबाव, बादल आवरण और बहुत कुछ जैसे कारकों का अध्ययन किया है। इसके 5 अलग अलग मॉडल बनाकर स्टडी की जा रही है। इसमें पृथ्वी जैसे लेकिन गर्म प्लैनेट से लेकर वीनस जैसे मॉडल बनाए गए हैं। कैल्टनेकर ने कहा, ये प्लैनेट पहला लक्ष्य है जहां हम विभिन्न परिदृश्यों का परीक्षण कर सकते हैं। वहीं एक अन्य रिपोर्ट ने बताया कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस एक्सोप्लैनेट LP8909C का अध्ययन करके इसकी वायुमंडलीय संरचना का निरीक्षण करेगा। इससे ये जानकारी मिल सकती है कि क्या प्लैनेट पर पृथ्वी के समान भाप युक्त पानी से भरपूर वातावरण है या क्या ये वीनस के समान है।